अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीटेट 2019 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबरें क्या है यूपीटेट को लेकर, तो सबको दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीटेट को लेकर कैसी हो रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग किसी एक जिले में रहते हैं और आपको पूरी उत्तर प्रदेश की अपडेट नहीं है, तो दोस्तों हमारा चैनल आपको पूरे यूपी के हर एक जिले की अपडेट देगा, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ तो लाखों बच्चे जुड़े हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आवेदन शुरू हो चुका है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, यूपीटेट 2019 ऑनलाइन अपडेट। उसके बाद दोस्तों आपका प्राइमरी का शिक्षक कैसे बनते हैं, क्या आपकी नौकरी कैसे लगती है? देखिए आप लोग के ढेर सारे सवाल आए हैं, तो दोस्तों उस पर अपडेट करेंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती में क्या योग्यता चाहिए होगी उसको देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या लिखित परीक्षा बार बार देनी पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आप लोग यूपीटेट पास हो गए तो उस साल के लिए तो फुर्सत हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग लिखित परीक्षा या सुपर टेट का पेपर पास करेंगे तो क्या दोबारा देना पड़ेगा या नहीं? ठीक है, कि यही सवाल दोस्तों आ रहा है, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को फिर से सुपर टेट देना पड़ेगा या नहीं? उसके बाद दोस्तों, सीटेट या यूपीटेट क्या है बेहतर, कैसे लाए दोस्तों 120 से अधिक नंबर, 20 लाख से अधिक बच्चे करेंगे आवेदन? जी हाँ दोस्तों, तो ढेर सारी बड़ी अपडेट है आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि क्या लिखित परीक्षा बार बार देनी पड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जी हाँ, यस हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको लिखित परीक्षा तब तक देनी पड़ेगी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में भी आपकी पासिंग मार्क होती है यूपीटेट के जैसा। तो दोस्तों फिलहाल इस समय जो करंट में पासिंग मार्क चल रही है 90 और 97, सरकार की तरफ से दोस्तों ये प्रस्ताव है, 150 नंबर में 90 और 97 नंबर लाने पर आपको नौकरी मिलेगी। देखिए 97 नंबर सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों को लाना है, और दोस्तों 90 नंबर आपके ओबीसी, एससी और एसटी के भाई बहनों को लाना है। ठीक है, सभी भाई बहनों को ये नंबर लाने अगर आपको नौकरी चाहिए है। तो ये बात दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यार आपको नौकरी कैसे मिलती है। और दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको लिखित परीक्षा तब तक देनी पड़ेगी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, आपकी नई शिक्षक भर्ती 2020 में कोई नौकरी आती है, वैकेंसी आती है, दोस्तों मान लेते वैकेंसी आपकी 50,000 पदों पर आती है। ठीक है, खाली ये माना गया है 50,000 पदों पर दोस्तों वैकेंसी आती है, और 90-97 आपकी ये पासिंग मार्क लगाया गया है, और दोस्तों आपने 100 नंबर लाकर पेपर को पास कर लिया। ठीक है, आप पेपर में पास लिख कर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों आपका पूरा मेरिट सिस्टम बनेगा। मेरिट सिस्टम दोस्तों किस तरह बनेगा उसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको मेरिट सिस्टम पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट दोस्तों आपका लेंगे, तो 10 मिनट दीजिए दोस्तों और आप लोग इसको वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, स्किप मत करिएगा, जितनी चीजें होंगी सब आपके लिए अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। देखिए क्या होगा, मेरिट कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों 60% आपका लिया जाता है सुपर टेट का पेपर से, लेकिन दोस्तों नया रूल आया कि यूपी टेट का जो पेपर होगा या सी टेट का पेपर होगा, ठीक है, इसका कितना लिया जाएगा दोस्तों, इसका 1/4 नंबर लिया जाएगा प्लस का दोस्तों। उसके बाद होगा आपका इंटर हाई स्कूल, सबको जोड़कर 40% होता है, बराबर 100% आपका आना चाहिए। लेकिन दोस्तों 60% और यूपीटेट का 1/4 जोड़ने के बाद ये 100% नहीं आ पाएगा। तो अगर हम लोग एक आइडिया लगाए, तो कुछ अगर हम कम किया जाए, तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि आपका सुपर टेट का पेपर को 35% कर दिया जाए, यूपीटेट या सीटेट के पेपर के 25% नंबर लिया जाए, उसके बाद दोस्तों आपका 40% लिया जाए, तो दोस्तों आपका तो भी 100% होता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन दोस्तों फाइनल तो सरकार ही बनाएगी कि कैसे होता है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आपका पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों होगा क्या, देखिए ये आपके मेरिट सिस्टम बनेगी। अब उसके बाद दोस्तों आप 100 नंबर लाकर तो सुपर टेट में यहाँ पर पास हो गए, ये देखिए 35% का आंकड़ा यहाँ निकल जाएगा, 100 का 35% निकालेंगे, यूपी टेट में आप जो नंबर लाए होंगे उसका 1/4 निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों ये 40%, तो सब कुछ अगर जोड़ा जाएगा तो आप दोस्तों मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपका जो गुणांक बनेगा, ठीक है, वो मान लेते हैं 70 नंबर का गुणांक बन गया। ठीक है, 70 नंबर का, लेकिन दोस्तों 70 नंबर से अधिक बच्चे 50,000 पाकर बैठे हैं, मतलब 50,000 ऐसे बच्चे हैं जो 70 से अधिक गुणांक लाकर बैठे हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। तो उस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में दोस्तों आप फिलहाल शिक्षक भर्ती के राउंड से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बाहर होना पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी लग जाती तब तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन बच्चों की नहीं लगेगी उनके लिए दोस्तों आइए, तो वो बच्चे बाहर होंगे। उसके बाद दोस्तों जब अगली शिक्षक भर्ती है 2020 में दोस्तों दोबारा मान लेते हैं आ जाती है थोड़ी देर के लिए, न्यू शिक्षक भर्ती 2020 वंस अगेन या रिटर्न होती है, तो दोस्तों आपको फिर से जो पेपर होगा सुपर टेट का, एसटेट का,
दोबारा से पेपर देना होगा दोस्तों, इसलिए पेपर दिया जाता है ताकि आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों वहां पर आपके पास एक चॉइस होगी, अगर आप चाहें तो सेम टाइम है तो आप यूपी टेट का पेपर मत दीजिए या सी टेट का पेपर मत दीजिए, लेकिन सुपर टेट का तो देना ही पड़ेगा। तो लेकिन आप ये सोचेंगे यार कि यूपी टेट में अगर आपने 100 नंबर पाया था पहली बार, तो सोचेंगे यार सिंपल सी बात है यार कि 100 को हम 120 में कैसे अपडेट करें। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब आप लोग के पास कंडीशन और सारी जो चीजें हैं बदल रही हैं, तो मतलब अब आप हर एक पेपर को देना पड़ेगा, तो आपकी से एक तैयारी मजबूत होगी। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े बहुत पैसे तो यार देखिए खर्च होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 600 रुपये का फॉर्म इस बार आ रहा है यूपी टेट का। तो आपको बता दें, जो अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं, तो दोस्तों इस बार प्रस्ताव भेजा गया है कि 600 रुपये का फॉर्म हो आपका। तो दोस्तों देखिए, पिछली बार 500 रुपये का था, इस बार 100 रुपये और बढ़ा दिया गया, जो कि गलत है कि भाई जो बच्चे गरीब होते हैं, बेरोजगार है, उनसे क्यों पैसे यार लेने जाना है। ठीक है, या तो इनको मुफ्त कर देना चाहिए। आप देखते होंगे रेलवे का बहुत से ऐसी नौकरियां आती है जिसका 100 रुपये का फॉर्म होता है, तो ऐसे आपका भी होना चाहिए दोस्तों। 100 रुपये तो सफिशियंट होता है पेपर कराने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, 600 रुपये का दोस्तों आपका फॉर्म है, तो ये आप सब कुछ अप्लाई करेंगे तो ये सब देखिए इतना पैसा लगेगा। तो ये पेपर अब आप बार बार देंगे जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, अभी तक आप सुपर टेट बार बार देते थे, लेकिन दोस्तों अब आपके अंदर है तो सिंपल सी बात है, कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप सेटिस्फाइड कब होंगे? जब आप दोस्तों 150 में 150 नंबर ले आएंगे, तब कहेंगे यार बस यार अब नहीं करना, क्योंकि 150 सुपर तो आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों वही आपकी पीक वैल्यू होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अब देखिए दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती में योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले योग्यता आपका, या तो आप बीटीसी या डीएलएड जिसका नाम है वो पास हो, या आप बीएड की डिग्री आपके पास हो, मतलब सब कुछ रिजल्ट पास हो चुके हो, ये चीज जरूरी है। ठीक है, आपका रिजल्ट फाइनल आ चुका हो, मतलब आप ईयरिंग नहीं, आपका रिजल्ट आ चुका हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें नंबर नंबर डालने रहते, तो रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो पहली योग्यता ये कि आपका फाइनल ईयर का, जो भी दोस्तों रहे होंगे हो, लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट हो आपके पास। ठीक है, ऑनलाइन रिजल्ट भी आ जाए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन है, आप यूपी टेट या सी टेट का पेपर पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों और कोई कंडीशन या नियम शर्तें नहीं रहती, कभी कभी एज आयु वाली जो शर्तें होंगी उस समय पर देखी जाएंगी दोस्तों कि क्या रखी जाती है, और दोस्तों फिलहाल कोई कंडीशन नहीं रखी जाती। तो ये दो शर्तें दोस्तों जरूरी होती है नई शिक्षक भर्ती के लिए, और तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए होगा। तो दोस्तों एक जो अगला सवाल आ रहा था, काफी बच्चों के द्वारा पूछा गया कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को फिर से देना पड़ेगा सुपर टेट? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली यस। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती, 69,000 शिक्षक भर्ती में है, तो आपको सुपर टेट का पेपर दोबारा से देना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत खराब लगेगा अगर आपने 110 नंबर स्कोर किया और आपकी नौकरी ना लगे। तो देखिए दोस्तों, सुपर टेट का नंबर लाना ना सुपर टेट में इतना आसान नहीं होता है, उसमें जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आप तो देखते ही आपको पता चलेगा जब आप उसकी पढ़ाई पढ़ेंगे। सी टेट यूपी टेट तो समझ लीजिए बच्चा है उसका, सुपर टेट का नाम भी उसका सुपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सुपर है दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं यार यूपी टेट में। सभी बच्चे पूछ रहे थे कि यार कैसे लाए 120 से अधिक नंबर, क्या पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन तो पॉसिबल है यानी पी यस या नो। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली यस पॉसिबल है। कैसे ला सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात समझिए आप एक फंडे को, यूपी टेट या सी टेट, अगर आप सोच रहे हैं कि 100 से ऊपर नंबर जाना, देखिए 120 तो छोड़ दीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि 100 से ऊपर आपको नंबर निकलना, तो मैथ में आपको 30 में 30 करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई नियम शर्त नहीं, 100% दोस्तों, अगर आप 30 में से 30 नहीं लाते तो किसी भी कीमत पर दोस्तों आप लोग यूपी टेट में 100 नंबर से ऊपर जाना मुश्किल होगा। ठीक है, जो आप सपने देख रहे हैं दोस्तों, 100 नंबर से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 120 के ऊपर निकलना मुश्किल होगा। ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, 30 में 30 नहीं तो चलिए मान लेते हैं एक दो नंबर कट भी जाते हैं, 28 या 29 नंबर दोस्तों अगर आपके मैथ में बनेंगे तो आप लोग 120 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि जिसकी मैथ कमजोर है उनका क्या होगा? उनके लिए दोस्तों 15 नंबर की मैथ में पेडागोजी है इस बार, तो 15 नंबर से यार आप लोग अपने क्लियर करो। उसके बाद दोस्तों जो 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, थोड़ी बहुत दोस्तों बेसिक चीजें पढ़े दोस्तों कुछ। देखिए अगर आपके मैथ कमजोर है तो आप मैथ का पूरा सिलेबस मत पढ़िए, पहला कंडीशन ये है दोस्तों। ठीक है, सिंपल तो ये लॉजिक याद करिए, पूरा सिलेबस देखिए मत, पूरा सिलेबस मत देखो। क्यों नहीं देखना है दोस्तों? अगर आप 10 टॉपिक हैं, ठीक है, उसमें से अगर 3 टॉपिक भी पढ़ते हैं, 3 नंबर तो आपके क्लियर होंगे ना, समझ रहे ना? दिमाग से खेलो दोस्तों, कोई मतलब नहीं पूरा पढ़ने का, जितना दिमाग में घुसे उतना ही घुसाना चाहिए, जबरदस्ती का ना करिए, नहीं तो दिक्कत होगी। होगा क्या सबको, सब अगर कोई टीचर ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर ऊपर वाला समझ रहे ना, ऊपर ऊपर पढ़ा दिए तो ऊपर ऊपर से वो निकल भी जाता है। जितना भी पढ़ो दोस्तों सॉलिड पढ़ो। देखिए जो बच्चे बीटेक वाले होते हैं ना, उनसे कभी पूछिएगा कि वो एक रात में कैसे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। दोस्तों कोई साल भर नहीं पढ़ता, सिर्फ एक रात। जी हाँ दोस्तों, पेपर के एक दिन पहले 24 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है उनका।
रीजन वो है कि वो जो भी पढ़ते हैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड दोस्तों आप भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप लोग लालच में आते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ने के लिए भागते हैं। कम से कम पढ़ी दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ी सटीक क्वेश्चन, कि अगर वो क्वेश्चन उसका या उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर बने उसको आप लोग कर ले जाएं। तो दोस्तों देखिए, ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है जो बहुत ही करीब तक लेके जाते हैं दोस्तों, जो इसको 150 में 125 130 लेके जाएंगे, वो ये सब दिमाग से खेलते हैं कि जो पढ़ेंगे हम सॉलिड पढ़ेंगे, लालच में नहीं आते कि चलो ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, लास्ट में आप कंफ्यूजन में रहेंगे यार इसका विकल्प ये होगा कि बी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज और बता दें, एक अगली वीडियो दोस्तों आपको मिलेगी कि कैसे आप यूपी टेट में 15 से 20 नंबर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर वो वीडियो अवेलेबल होगी, और दोस्तों वो बहुत ही अच्छी वीडियोस होगी जिससे आप लोग काफी कुछ सीखेंगे। अब देखिए, 20 लाख से अधिक बच्चे आवेदन करने वाले हैं, तो आपको भाई तैयार रहना है कि जो फॉर्म आए सबसे पहले आपको आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, पहले करिए, क्योंकि आवेदन होने के बाद हमें पता है जब तक आप लोग आवेदन नहीं करेंगे तब तक आप लोग की पढ़ाई शुरू नहीं होती। काफी बच्चे ये इसीलिए वेट कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, हमें पता है कि आप लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ठीक है कि जब फॉर्म भर जाता है तो लगता है कि चलो अब तैयारी शुरू करनी है, लेकिन दोस्तों अब यार वो वाला समय जा चुका है। कोशिश करिए दोस्तों कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो रहा है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे। अगर आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, BTC BEd जो भी आपने कर रखा हो, DLED, तो यार उस पैसे का कुछ तो वसूल करिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है आप नौकरी पाना। ठीक है, आगे दोस्तों जो आपका आने वाला समय है ना, एक शिक्षक भर्ती में 2-3 साल कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये आपकी दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों, दिसंबर 2018 में ये वैकेंसी शुरू हुई, और इसका पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, अभी तक दोस्तों इसका रिजल्ट नहीं आया। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, आज आपकी दोस्तों जो भी तारीख हो रही हो आज तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्टूबर माह आपका चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि क्या होता है आपके शिक्षक भर्ती में, आपके साथ भी सेम प्रोसेस होगा। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत लकी होंगे, सभी बच्चों को लग रहा था उनको फरवरी तक नौकरी मिल जाएगी। काफी बच्चों ने कहा कि चलो ठीक है नौकरी लग रही है अब आगे का कुछ प्लान करते हैं, लेकिन दोस्तों सबका प्लान धरा का धरा रह गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, ये सब जो शिक्षक भर्ती होती है इसमें सिर्फ आपको एक मौका मिलता है, दूसरा मौका अगर आप पाएंगे तो पूरी तरीके से नहीं होता है, दिल टूट जाता है, जो भी कहिए आप लोग, कि एक मौका दोस्तों ऐसा रहिए कि मौका मिलते ही आपको चौका मारना। ये ना सोचिए दोस्तों इस बार मौका मिला अगली बार देखेंगे, कभी नहीं आता दोस्तों ये अगली बार। शिक्षक भर्ती में अगर आप आना चाहते हैं तो कभी भी दोस्तों अगली बार का इंतजार मत करिए। ठीक है, अब बात करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट को लेकर कैसी हो रही तैयारी। देखिए दोस्तों, यूपी टेट के अधिकतर जिलों में जो बच्चे हैं खाली कोचिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो हमें पता चला और सभी बच्चे खुद ही अपडेट करते हैं कि हम लोग कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है आप लोग पढ़ते रहिए। लेकिन दोस्तों फिर से हम यही कहेंगे खाली कि यूपी टेट हो और सुपर टेट, दोस्तों यूपी टेट में चलिए आपको मौके मिल जाएंगे, लेकिन सुपर टेट एक ऐसी चीज है जहां आप दोबारा मौके का आप इंतजार नहीं कर सकते, काफी लंबा समय लग जाता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं होता है, बच्चा टूट जाता है सालों, मतलब एक वैकेंसी का इंतजार करता है क्या होगा क्या होगा, लेकिन बहुत ही बेकार स्थिति है दोस्तों। अगर हम कुछ भी कह सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ सुधार आता है तो अच्छी बात है। देखिए सीटेट या यूपी टेट में क्या है बेहतर, जो दोस्तों आज की डेट में हम कहेंगे आपके लिए यूपी टेट बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है, आप यहाँ आप स्कोर कर सकते हैं, जो नए नियम आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको नंबर लाना ज्यादा जरूरी है, ना कि दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट हो। क्योंकि सीटेट में ये फायदा होगा कि देश भर में कोई वैकेंसी आती है तो दोस्तों आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शिक्षक भर्ती अगर यूपी में आती है तो वहां पर आप सीटेट यूपी टेट दोनों लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई वैकेंसी बिहार में आती है तो वहां पर आप यूपी टेट का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सीटेट का यूज हो सकता है, बस यही अंतर है। लेकिन दोस्तों हम यही कहेंगे आपसे कि आपको स्कोर के लिए आप भागना चाहिए कि आप कितने अधिक से अधिक स्कोर कर सकें, कंपटीशन का टाइम चल रहा है, ज्यादा नंबर ज्यादा चांस नौकरी पाने की। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए।